जनपद को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने बुधवार को कैंपियरगंज क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों और बंधों का निरीक्षण किया और बाढ़ खंड एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने को भी कहा, जिससे अगर इस बार पुनः बाढ़ आती है तो कोई भी गाँव उससे प्रभावित ना हो सके। आपको बताते चलें कि जिले में राप्ती, घाघरा, कुमायूं, गोर्रा, आमी और सरयू नदी जब उफान पर आती है तो कई गांव जलमग्न हो जाते हैं और जनधन की काफी हानि होती है। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जनपद में कुल 66 बांध बनाए गए हैं, जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और इसके अलावा 51 अति संवेदनशील एरिया है जहां से बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। बाढ़ से जनहानि को बचाने के लिए जनपद के 86 बाढ़ चौकी स्थापित की गई हैं। जिला प्रशासन के पास उपयुक्त संख्या में नाव उपलब्ध हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी सक्रिय किया गया है, जिसके तहत बाढ़ की स्थिति से निपटा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने बताया। जी देखिए, कल तो हम रोहिन नदी का जो बांध है दोनों तरफ का निरीक्षण किया है। उस तरफ से महाराजगंज, इस तरफ से गोरखपुर पड़ेगा। उसको शुरुआत मछली गांव पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पे, उसी से लेते हुए तो फिर मलैनी बांध है, वो सारे बांध वो यहाँ आपका जो हावड़ बंदा तक का निरीक्षण किए, क्योंकि पिछले बार तो 2 भयंकर कटान था, उसको मरम्मत हो गया है, सही हो गया है, गाँव में भी विजिट किया। उसके अलावा छोटा छोटा कटान है, कहीं कहीं जो गैप है उसको भी बनाने के लिए हमने निर्देश जारी किया। उसके अलावा महाराजगंज की तरफ से एक जगह वहाँ एक बंदे बहुत ज़रूरी था, उसी की वजह पिछले साल घूम के पानी आई थी, उसको डीएम महाराजगंज से भी बात करवा रहा हूँ ताकि वो बंदा का रिपेयर हो जाएगा। कम से कम वो पानी महाराजगंज की तरफ से, उनका जमींदारी बंदा है उस तरफ से आता है, वो बंद हो जाएगा। इस बार हम पहले से अलर्ट है ताकि जो 12 बंदे पिछले बारिश में कटी थी पूरा मरम्मत हो गया और 36 बंदे के ऊपर काम चल रहा है इस समय में। इस समय में जो पिछले साल का जो स्थिति है वो कतई नहीं हो पाएगा, कतई ऐसे नहीं सामना करना पड़ेगा, ताकि उसी हिसाब से हम लोग सारे व्यवस्था करवा रहे हैं। और गाँव में जगह जगह उन लोग का जो अवश्य जो उन लोग का स्टॉकिंग कराना है, मान लीजिए इमरजेंसी समय में किसी का बोरा का ज़रूरत है, किसी का जो बोल्डर का पिचिंग का ज़रूरत है, सब चीज़ का वहाँ सामान भी पहुँचा रहे हैं अभी, ताकि जो किसी भी समय में हम लोग किसी स्थिति पर उसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जियो बैग और वो सारे बंदे के हम लोग 40-40 लाख रुपये अतिरिक्त मिला है मेंटेनेंस के रूप से, उसके लिए हम जियो बैग और बाकी सामग्री पहले ही एडवांस में खरीद करके जगह जगह रखवा रहे हैं, ताकि जो इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत विद इन 24 घंटे के अंदर उसको लग करके हम सही करा सकते हैं। ना देखिए, लायबिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग मान लीजिए करीबन तो 20-25 करोड़ का ज़रूरत था, उसका 40-40 लाख रुपये के हिसाब से 3 खंड में मिल गया है। उसका तो काम तो प्रारंभ है, बट हम लोग आश्वासन मिला शासन से वो पैसा तो मिल जाएगा हम लोग का, बट हम लोग पैसा के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो काम हम पूरा करा लेंगे। तो ये माना जाए कि इस बार पूरा जरूर इस पर ऐसे कोई स्थिति नहीं है। सर, दक्षिणांचल में देखा जाए बड़ालगंज गोला क्षेत्र में भी नदी के प्रवाह था काफी, उसमें भी जा रहा हूँ मैं आज, तो कल तो रोहिन नदी पूरा देखा हमने, आज भी तो मैं इस तरफ दूसरे यहाँ 7 नदियाँ हैं, मेजर नदियाँ हैं, एक नदी तो हम कल कवर किए, आज और एक नदी तो घाघरा की तरफ और कुछ राप्ती की तरफ जाऊँगा मैं, उसको भी कवर करेंगे। तो मतलब मान लीजिए तो हम मानसून के पहले लेके जा रहे हैं, जून 15 के पहले सारे बंदे हम सही करा देंगे। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि नेपाल पानी छोड़ता है, इससे बाढ़ आती है, काफ़ी प्रभावित होता है, तो नेपाल के अधिकारियों से भी कोई वार्ता हुई है? ना, उसको पिछले महीने एक डिस्कशन हुआ है, उन लोगों का एक अलर्ट सिस्टम हम लोग ऐसे इस बार तैयार किए हैं, इसका यूनिक पोर्टल भी है, कभी कभी पानी छोड़ते हैं वो हम लोग का 24 घंटे के पहले इंटीमेट करेंगे। और इस बार और एक सुविधा गवर्नमेंट ने किया है, जो किस जनपद में क्या क्या अवेलेबल है, नाव किसके पास है, किसके पास बोरा है, किसके पास जियो बैग है, सब एक ही पोर्टल में ला रहे हैं, ताकि एक जनपद आसपास जनपद को सहयोग कर सकें। ताकि मान लीजिए हमारा पास सरप्लस है, मान लीजिए स्टीमर मेरा पास है, बगल में जनपद में कोई नुकसान है, जल्दी उनको स्टीमर चाहिए, तो हमारा जनपद से उठ के चले जाएगा। पिछले बार तो ऐसे सिस्टम नहीं था, इस बार पहले से काफ़ी आधुनिक व्यवस्था हो जा रही है। बाढ़ चौकियाँ बनाई जाती हैं, उसको अभी स्थापित कर दिया है? जी, अभी से अलर्ट है हम लोग, बाढ़ चौकी जगह जगह कहाँ है उसका स्थापित करवा रहे हैं हम लोग। उसको भी जो इमरजेंसी जो सामग्री होता है वो हम लोग 15 के आसपास पहुँचाएंगे, उन लोग का जो मिट्टी का तेल है, जनरेटर का व्यवस्था है, फिर भोजन और इत्यादि की व्यवस्था, वो 15 के आसपास हम लोग वहाँ भी बाढ़ चौकी में पहुँचा देते हैं।